Good morning, students. Let's start our second chapter, that is नटखट बंदर. Okay? चलिए पढ़ना start करते हैं. एक बार कुछ बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे थे. वे नीचे देख रहे थे. नीचे कुछ बड़ी लकड़ी काट और चीर रहे थे और कुछ दूसरे काम कर रहे थे. दोपहर को जब बड़ई खाना खाने गए तो बंदर पेड़ से नीचे उतर आए. उन्होंने बड़ई को के काम को पास जाकर देखा. देख रहे हैं आप लोग, ये बंदर हैं. यहाँ पर बड़ई अपना काम कर रहे थे. देखिए आरी, कील और लकड़ी सब पड़ा हुआ है. तो जब बड़ई चले गए तो ये सब बंदर नीचे आके उसका काम देखने लगे. तो एक बंदर लकड़ी के एक लट्ठे पर चढ़ गया. वह गट्ठा बीच से चिरा हुआ था, मतलब यहाँ से वो थोड़ा सा चिरा हुआ था. उसके दोनों भागों को अलग रखने के लिए एक पच्चर छोटी लकड़ी उनके बीच लगा दी गई थी. मतलब ये जो बीच में एक छेद था उसमें एक ये छोटी सी लकड़ी लगा दी गई थी ताकि वो उसमें गैप बना रहे. बंदर ने बीच की छोटी लकड़ी को हिलाया और उसे बाहर निकाले. ये एक बंदर है, इसमें बैठा और इसने ये छोटी लकड़ी को निकाल के फेंक दिया. इससे उसकी दुम चिरे हुए गट्ठे में फंस गई. इससे क्या हुआ, इसकी जो दुम थी पीछे चिरे हुए जो यहाँ पे छेद था उसमें जाके फंस गई. वह दर्द से तड़पता हुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा. बाकी सब बंदर उसके पास खड़े हो गए. मतलब ये सब बंदर देखने लगे, अरे क्या हो गया, ये क्यों चिल्ला रहा है. कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, कोई समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे, कैसे उसकी पूंछ निकाली जाए, क्योंकि ये तो पूरा बंद हो गया था, कैसे इसको चीरा जाता. जब बड़ई वापस आए तो सब बंदर पेड़ पर चढ़ गए. जिस बंदर की पूंछ फंसी थी वह वहीं रह गया. मतलब इसकी पूंछ यहाँ फंस गई थी तो ये उठ नहीं पा रहा था, कैसे चल पाता, भाग पाता. और ये जो बाकी के बंदर थे ये सब कहाँ गए, पेड़ पर चढ़ गए. एक बड़ई आरी लेकर उसके पास आया. उसने बंदर की दुम काट दी. मतलब ये आरी पड़ी है, एक बड़ई आया और उसने इसके दुम यहाँ से काट दी. अब बंदर अपनी दुम वहीं छोड़कर भाग गया. उसने देखा, कुछ नहीं देखा, उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी पूंछ है कि नहीं है. जैसी बड़ई ने उसकी यहाँ से पूंछ काटी, ये देखिए आप लोग, पूंछ कट गई है उसकी. और ये कितनी तेज़ी से भाग गया, इसने पसीने भी छूटने लगे इसके. बस इसने अपनी जान बचाई और भाग गया. होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी. थैंक यू क्लास.